रात को बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल करना और फ़ोन की बैटरी ख़त्म। पार्टी करके बाहर निकले हैं, उबर बुक करनी है या ओला कैब बुक करनी है, लेकिन फ़ोन की बैटरी ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ। स्मार्टफोन्स आजकल हम इतना यूज़ करते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि उनकी बैटरी कब ख़त्म हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि ना कि आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि आपकी फ़ोन की बैटरी की हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। टिप नंबर वन है, फ़ोन का GPS या लोकेशन को ऑफ रखिए, क्योंकि जो भी आपके ऐप्स हैं वो भी इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ करके आपकी लोकेशन को बार बार ट्रैक करके सेंड करते हैं डेटा, जो कि आपकी फ़ोन की बैटरी को काफ़ी रिड्यूस करता है, काफ़ी घटा देता है उसकी हेल्थ को। तो फ़ोन के GPS को रखिए बंद जब उसकी ज़रूरत ना हो। साथ ही साथ दूसरा नंबर आता है स्क्रीन की ब्राइटनेस का। स्क्रीन की ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी बैटरी खाएगा। तो फिर अगर आपको बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम से बचना है तो फिर फ़ोन की स्क्रीन को, यानी अपनी स्मार्टफोन की स्क्रीन को रखिए कम से कम ब्राइटनेस पे, ताकि वो ज़्यादा बैटरी ना खाए। तीसरा नंबर आता है सेलुलर नेटवर्क्स का। हो सके तो सेलुलर नेटवर्क्स पे इंटरनेट यूज़ करने की बजाय आप अपने वाईफाई से यूज़ कीजिए। अगर आप घर पर हैं या फिर ऑफिस में हैं तो आप अपने वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बैटरी बचाता है इंस्टेड ऑफ ए सेलुलर नेट। फास्ट चार्जिंग जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग आपके फ़ोन की बैटरी की हेल्थ को डिप्लीट करती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बैटरी कुछ ही टाइम बाद, यानी 6 महीने 8 महीने के बाद काफ़ी ख़राब बैटरी बैकअप देने लगेगी। तो फिर हो सके, जितना हो सके उसकी फ़ास्ट चार्जिंग को कम यूज़ कीजिए, फास्ट चार्जर्स कम यूज़ कीजिए, स्लो चार्जिंग होने दीजिए फ़ोन को नेचुरली, जिस भी स्पीड से वो चार्ज होता है। फ़ोन में डार्क थीम्स का यूज़ करें और फ़ोन के वॉलपेपर को रखें ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन का वॉलपेपर जब ब्लैक होता है तो वो काफ़ी बैटरी आपकी बचाता है। फ़ोन में वाइब्रेंट कलर से बचें, स्पेशली वाइट कलर का बैकग्राउंड काफ़ी बैटरी खाता है। तो फ़ोन का वॉलपेपर शुड ऑलवेज बी डार्क एंड ब्लैक। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपको फ़ोन को चार्ज करते समय ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें चार्जिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए, फ़ोन को हमेशा 20% से 90% के बीच में चार्ज रखना चाहिए। 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए उसको, और उसको पूरी तरह से बैटरी को डिप्लीट मत होने दें, पूरी तरह से बैटरी को ख़त्म मत होने दें। 0% बैटरी होने से भी आपकी बैटरी की फ़ोन की बैटरी की हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुँचता है दोस्तों। अगर आप फ़ोन को बीच बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए चार्ज रखते हैं, और कोशिश कीजिए फ़ोन को 55% के आसपास चार्ज रखने की, तो आपके फ़ोन की बैटरी एकदम दुरुस्त काम करेगी। अगला है फास्ट चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फास्ट चार्जिंग आजकल स्मार्टफोन का एक ऐसा फीचर है जो कि हर स्मार्टफोन में आ रहा है। फास्ट चार्जिंग दोस्तों फ़ोन की बैटरी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि फ़ोन को बहुत तेज़ी से जब वो चार्ज करती है तो उसको हाई वोल्टेज से काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो फास्ट चार्जिंग अवॉइड करनी चाहिए जिन केसेस में पॉसिबल है। फ़ोन को धीरे चार्ज होने दें। मेरे हिसाब से 1.5 से 2 एम्पियर का करंट आउटपुट देने वाला चार्जर काफ़ी सही रहेगा आपके फ़ोन को चार्ज करने। वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो कि बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।